हेलो स्टूडेंट। तो आज के क्लास में हम लोग एस चंद बुक के पेज नंबर 18 पे जो नॉमरिकल्स है वो सारे नॉमरिकल्स को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। अभी हमने दो वीडियो पढ़ा, दो वीडियो में हम लोग दो पेज के नॉमरिकल्स को सॉल्व किया। फिर अब पेज 18 के सारे नॉमरिकल्स को बारी बारी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए या फिर कमिंग सून या फिर नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप एजुकेशन हब आपका यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फिर आने वाले वीडियो को आप प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं एस चंद बुक के पेज नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है नेम द लॉ विच रिलेट द करंट इन अ कंडक्टर टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। उस लॉ का नाम बताओ, ठीक है, जो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के रिलेशन को शो करता है। तो हम लोग पढ़े थे कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी देन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, ये किस लॉ को शो करता है? ओम्स लॉ। तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ मतलब ओम्स लॉ को रिलेशन देता है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। सेकंड कह रहा है नेम द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल असिस्टेंस एंड गिव इट सिंबल। इलेक्ट्रिकल असिस्टेंस का ऐसा यूनिट लिखना है और फिर उसका सिंबल लिखना है। तो रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम, ठीक है। और कैसे डिनोट किया जाता है? नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच एसआई यूनिट ओम। उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताओ जिसका ऐसा यूनिट ओम है। अभी हम लोग देखे क्या लिख रहा है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस या रेसिस्टेंस। तो हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस या फिर डायरेक्टली रेसिस्टेंस। करें व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ सबस्टांस हैविंग इंफिनिटी हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस किसका होता है? तो वो इंसुलेटर होता है जिससे करंट को पास नहीं किया जा सकता। तो लिखेंगे इंसुलेटर। इंसुलेटर ऐसा सबस्टांस है जिसका वो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस क्या होता है? हाई होता है, इजिली उससे करंट को पास नहीं किया जा सकता। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कीपिंग अ रेसिस्टेंस कांस्टेंट, रेसिस्टेंस को कांस्टेंट रखा जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस Across at end of component is half, तो potential difference को half कह रहा है, तो current पे क्या असर आएगा ये हम लोग को बताना है, ठीक है। हम लोग पढ़े कि V directly proportional I, ठीक है, V directly proportional I। अगर V को 2 times बढ़ाएंगे तो current भी 2 times बढ़ेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि I directly proportional V। अब कह रहा है कि आपको potential difference को half कर रहा है, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप हाफ करेंगे तो करंट भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना टाइम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उतना टाइम्स करंट बढ़ेगा, जितना टाइम्स करंट बढ़ेगा उतना टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? सिंपल, हाफ हो जाएगा। हाफ क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप लिख देंगे सिंस वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कोई प्रॉब्लम, बाय द फॉर्मूला ही। स्टेट द फैक्टर ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ गिवन कंडक्टर डिपेंड्स। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट किस पे डिपेंड्स है। तब ओम्स लॉ में पढ़ते V इज इक्वल टू आई आर, तो यहां से V बाई आर इज इक्वल टू आई, किस पे डिपेंड हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेसिस्टेंस, इसी पे डिपेंड हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट में पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, सॉरी एंड रेसिस्टेंस, That is V and R, potential difference and resistance. करा which has less electrical resistance? Thin wire का electrical resistance होता है या thick wire का electrical resistance होता है? आपको बताना है था electrical resistance किसका less होता है? Thick wire का होता है। तो सीधे आप लिखेंगे आंसर में thick wire, ठीक है, कोई दिक्कत? चूंकि रेसिस्टेंस क्या होता है,
काम करने का जो एबिलिटी होता है उसके अगेंस्ट जाना, रिसिस्ट करना। तो मोटा वायर या पतला वायर? पतला वायर में होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन है कीपिंग पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, रेसिस्टेंस सर्किट का हाफ कर दे रहा है, तो कह रहा है करंट पे क्या असर आएगा। देखते तो पहले V इज इक्वल टू IR किसके लिए, चाहे ऐसे लिखिएगा, लेट V इज पोटेंशियल डिफरेंस, R इज रेसिस्टेंस एंड I इज करंट। देन फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, तो यहां से अगर I निकालेंगे I इज इक्वल टू V बाई आर। ठीक है, कंडीशन फर्स्ट। अब कह रहा है कि रेसिस्टेंस को हाफ कर देगा, इफ रेसिस्टेंस इज हाफ देन न्यू रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा। न्यू रेसिस्टेंस को हम आर डैश मान रहे हैं, वो आर बाय टू हो जा रहा है। नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ तो वी इज इक्वल टू आई आर, ये नहीं कहता वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो भी अभी तो आर डैश हो जाएगा, तो भी बाई आर डैश इज इक्वल टू आई, या आर डैश का वैल्यू कितना है, आर बाई टू है, तो भी बाई आर बाई टू इज इक्वल टू आई, फिर टू इंटू भी बाई आर इज इक्वल टू आई। और भी बाई आर को आप क्या लिखिए, आई लिखिए, और इस आपका न्यू करंट आई डैश हो जाएगा सबका, मतलब तो नया करंट जो हो जा रहा है, तो या आई डैश इज इक्वल टू 2i, यानी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स इंक्रीज करेगा करंट, क्या करेगा 2 टाइम्स इंक्रीज करेगा, यदि रेसिस्टेंस को हाफ करेंगे तो। कोई दिक्कत, आगे देखते हैं। नाउ नंबर क्वेश्चन है कि ए पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट, कह रहा है कि 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस किसी रेसिस्टेंस पे 5 ओम रेसिस्टेंस पे लग रहा है, तो कह रहा है करंट क्या होगा। तो सबसे पहले वही चीज, सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या लिखना होगा, गिवन क्या दिया हुआ है 20 वोल्ट, वोल्ट किसका ऐसा नेट है, पीडी का, चलिए 5 ओम, ओम किसका यूनिट है, रेसिस्टेंस का, फाइंड करंट, वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर, वी कितना आपके पास 20, I पता नहीं, R है 5, 20 बाई 5 अब एम्पियर में हो जाएगा, इज इक्वल टू आई, 5 4 जा, यानी कि 4 एम्पियर इज इक्वल टू आई। कोई दिक्कत, कह रहे कि कितना करंट हुआ, तो 4 एम्पियर का करंट अप्लाई होगा, या 4 एम्पियर का करंट आपको मिलेगा। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस ऑफ 20 ओम हैज अ करंट ऑफ 2 एम्पीयर फ्लोइंग इन इट, 20 ओम के रेसिस्टेंस पे 2 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है, तो कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। फिर वही चीज, गिवन 20 ओम, ओम किसका ऐसा यूनिट है, रेसिस्टेंस का, और 2 एम्पियर, एम्पियर किसका ऐसा यूनिट है, करंट का, तो फाइंड पीडी। नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ क्या कहता है, वी इज इक्वल टू आई आर, पी तो पता नहीं, वी निकालना, आई आर देखो 2 और 20, ऐसा नहीं क्या होगा, वोल्ट हो जाएगा, तो यानी कि वी इज इक्वल टू 40 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 40 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एक करंट ऑफ 5 एम्पीयर फ्लो थ्रू अ वायर व्हिच एंड्स आर एट पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। कह रहा है कि 5 एम्पीयर का करंट फ्लो कराया जा रहा है 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। फिर वैसे गिवन 5 एम्पीयर, एम्पीयर किसका यूनिट है करंट का, और 3 वोल्ट, वोल्ट किसका यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस का, तो फाइंड रेजिस्टेंस। ठीक है, नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ बी इज इक्वल टू आई आर। बी आपका कितना है 3, आई कितना है 5, आर पता नहीं, यानी कि 3/5 अभी क्या हो जाएगा ओम हो जाएगा इज इक्वल टू आर। तो कितना मिला 3/5, और 3/5 को आप जब डिवाइड करोगे तो मिलेगा 0.6 ओम इज इक्वल टू आर। ठीक है, यानी कि 0.6 ओम का रेसिस्टेंस क्रिएट करेगा या फिर वो रेसिस्टेंस कंज्यूम करेगा। ये देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बारह में फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, कह रहा है ओम्स लॉ स्टेट अ रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। चूंकि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी या भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। 13 में है गुड कंडक्टर रेसिस्टर और इंसुलेटर को डिफाइन करना है। तो गुड कंडक्टर दो सब्सटेंस बीच है वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, जिसका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस बहुत कम होने के बराबर, वो आपका गुड कंडक्टर, मतलब जिससे इलेक्ट्रिसिटी इजिली पास करे। कॉपर एल्यूमिनियम मेटल्स जो होता है वो गुड कंडक्टर्स होता है। रेसिस्टर कंपेरेटिवली कंडक्टर, कंडक्टर के कंपैरिजन में, ठीक है, कंडक्टर के कंपैरिजन में जो होगा वो थोड़ा सा अधिक होगा, हाई होगा। तो लिखा गया दो सब्सटेंस व्हिच हैव कंपैरेटिवली हाई रेसिस्टेंस देन कंडक्टर, मतलब कंडक्टर से थोड़ा सा अधिक उसका रेसिस्टेंस होगा, नाइक्रोम और मैग्नीन। ठीक है, ये आपका रेसिस्टर होगा। इंसुलेटर दो सब्सटेंस व्हिच हैव इनफिनिटली हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, जिसका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस काफी अधिक हो वो आपका इंसुलेटर हुआ, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं किया जा सकते, रबड़ और ऊन। ठीक है, तो आप समझ गए कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस लो होता है, रेसिस्टर में उससे अधिक होता है, और सबसे ग्रेटर किस में होता है आपको इंसुलेटर में होता है। कोई दिक्कत, फिर आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौदह नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्लासीफाई, मतलब हम लोग को क्लासीफाई करना, अलग अलग करना है गुड कंडक्टर रेसिस्टर एंड इंसुलेटर। तो पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे कि कंडक्टर होता क्या, जिसकी रेसिस्टिविटी जो होती है वो वेरी लो होती है। तो एक एक करके छाटेंगे, सिंपल मरकरी पहले रबड़, तो रबड़ को पहले यहां लिखेंगे इंसुलेटर, पहले वहां शुरू क्या किया है सोल्यूशन में, पहले शुरू किया है गुड कंडक्टर, तो लिखेंगे गुड कंडक्टर। ठीक है, फिर लिखा है रेसिस्टर और फिर लिखा है इंसुलेटर। ठीक है, अब देखिए तो रबड़ आपका क्या है, सिर्फ इंसुलेटर है तो रबड़ भी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है मरकरी, तो मरकरी आपका क्या है गुड कंडक्टर है, लिखेंगे गुड कंडक्टर में मरकरी। फिर कह रहा है नाइक्रोम, तो नाइक्रोम क्या होता है आपका रेसिस्टर हो जाता है, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट एब्जॉर्ब करता है नाइक्रोम। फिर कह रहा है पॉलीथीन, तो सिंपल तरीका पॉलीथीन जो रबड़ होता है वो इंसुलेटर होता है, तो पॉलीथीन इंसुलेटर हो जाएगा पॉलीथीन। चलिए फिर कह रहा है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम आपका क्या हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी इजिली पास करता है, वो आपका हो जाएगा गुड कंडक्टर। फिर कह रहे वुड, वुड से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं किया जा सकता, इंसुलेटर हो जाएगा, तो लिखेंगे इंसुलेटर में वुड। फिर कह रहे मैग्नीन, ठीक है, तो मैग्नीन से आप क्रॉस करा सकते हो या नहीं करा सकते हो, बेटर है
मैग्नीन से आप करा सकते हो या नहीं करा सकते हो, तो करा सकते हैं, तो ये गुड कंडक्टर है। अब कह रहे हैं बेकेलाइट, ठीक है कि बेकेलाइट को आप किस में रखोगे, तो बस बेकेलाइट को इसी में रखेंगे। फिर कह रहे हैं आयरन, क्या आप आयरन से क्रॉस करा सकते हो इलेक्ट्रिसिटी को, तो यस, ठीक है। सॉरी ये तो ऊपर रहेगा, ये तो आपको कहां रहेगा, मैग्नीन, मैग्नीन ऊपर रहेगा, ठीक है। तो मैग्नीन को आप लिखेंगे गुड कंडक्टर में, ठीक है। फिर बेकेलाइट को गुड कंडक्टर में, चलिए आयरन भी आपका गुड कंडक्टर हो गया। पेपर आपका क्या हो जाएगा, इंसुलेटर होगा, इजीली क्रॉस नहीं करेगा। थर्मोकोल भी आपका क्या हो जाएगा, जिसे इलेक्ट्रिसिटी को क्रॉस नहीं किया जाएगा। मेटल क्वाइन, मेटल क्वाइन ठीक है, इस तरह से आप क्लासिफाई करिए, ठीक है। अब हम लोग फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है डिफाइन करना है ओम्स लॉ क्या होता है, तो हम जानते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो करंट फ्लोइंग होगा किसी कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। तो इसी चीज को हम लिखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर is directly proportional to its potential difference. Potential difference, ठीक है, that is a विशेष चीज को लिखा है मैथमेटिकल टर्म I directly proportional V, मतलब करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब आप करंट बढ़ाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, करंट घटाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं देन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई या वी इज इक्वल टू आई आर, जो आर है प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट है, प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट है, और यही प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन हाउ इट इज यूज्ड टू डिफाइन द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, कैसे यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस को डिफाइन करता है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो R इज इक्वल टू V बाई आई, ठीक है, और V का क्या होता है, वोल्ट होता है और एम्पियर होता है, तो ये आपका 1 ओम के बराबर होता है, ठीक है। तो इसी तरह से 1 ओम इज इक्वल टू 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर, इसी तरह से ये रिलेटेड है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो किससे रिलेटेड है, 1 वोल्ट पर एम्पियर को आप ओम लिखते हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16 नंबर का ये कह रहा है व्हाट इज द मीन्ड बाय रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, राइट द रिलेशन बिटवीन रेसिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो हम लोग जानते हैं रेसिस्टेंस किसी कंडक्टर का प्रॉपर्टीज होता है जो करंट फ्लो करंट को अपोज करता है, मतलब करंट को आगे जाने से बढ़ने के लिए रोकता है, अपोजिस द मोशन करता है, ठीक है। दिस इज इसको लिखेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, या कंडक्टर का प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच इट अपोजेज, जिसके कारण अपोज होता है द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो को प्रवाह को अपोज करता है थ्रू इट आर कॉल्ड रेसिस्टेंस, मतलब कि यह किसी कंडक्टर का प्रॉपर्टीज होता है जो किसी कंडक्टर में करंट फ्लो के प्रवाह करंट फ्लो को रेसिस्ट करता है, अब क्या कहते हैं रुकावट बाधा पैदा करता है, ठीक है। हम लोग दूसरे कंडीशन में हम लोग पढ़े थे V इज इक्वल टू आई आर, तो यहां से V बाई आई इज इक्वल टू आर भी लिख सकते हैं, तो इन द अदर वर्ड हम लिख सकते हैं इन द अदर वर्ड द रेशियो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, पोटेंशियल डिफरेंस
and current are known as रेसिस्टेंस। नेक्स्ट क्या है, एक रिलेशन बताना है। तो जो रिलेशन होगा V इज इक्वल टू आई आर, क्या होगा रिलेशन, V इज इक्वल टू आई आर, V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, I फॉर करंट और R फॉर रेसिस्टेंस। ठीक है, और फिर इसका B नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सोलह कभी का क्वेश्चन कह रहा है, वेन 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड अनोन रेसिस्टर, करेक्ट अनोन रेसिस्टर है जो 12 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्टेड है, 2.5 मिली एम्पियर का करंट जा रहा है, तो कह रहा है कि रेसिस्टेंस कितना होगा। तो सबसे पहले दिया क्या है, 12 वोल्ट बैटरी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा और 2.5 मिली एम्पियर, तो ये आई दिया हुआ, तो ये कन्वर्ट करेंगे तो मिली एम्पियर को जब एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो आप कितना से गुना करेंगे। ठीक है, तो 2.5 × 10⁻³ एम्पियर। फाइंड रेसिस्टेंस वी नो दैट वी इज इक्वल टू आई आर, वी कितना है 12, आई 2.5 × 10⁻³ और आर पता नहीं, तो जब आप कैलकुलेट करेंगे 2/2.5 × 10⁻³ इज इक्वल टू आर, और इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, ओम हो गया। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा हमको, पॉइंट हटेगा तो 10 हो जाएगा, तो 120/25 × 10³ ओम इज इक्वल टू आर, कटेगा 5 5 जा और 5 2 जा 5 4 जा, यानी कि आर इज इक्वल टू 24/5 × 10³ ओम, तो कितना होगा 5 × 20 5 × 48 × 10³, तो जो अनोन रेसिस्टर हो जाएगा क्या हो जाएगा 4.3 × 10³ ओम। ठीक है, अगर आप पॉइंट में हटाना चाहोगे तो पॉइंट में हटा के भी आंसर लाते हो, तो आर इज इक्वल टू 4.8, पॉइंट हटेगा तो बटा 10 हो जाएगा, गुणे 10³, 0 से 0 गया, यानी कि 4800 ओम, तो आप ये भी आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्रह का क्वेश्चन, डिफाइन यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस के यूनिट को डिफाइन करना है, तो R इज इक्वल टू आप लिखते हो V बाई आई, यानी कि 1 वोल्ट पर एम्पियर, इसी चीज को डिफाइन करना है, मतलब कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस यूज करने में जो करंट अप्लाई होता है वही आपका क्या हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। लिखा गया व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज यूज, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस यूज करने में टू मूव 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट, टू मूव 1 एम्पियर ऑफ करंट, 1 एम्पियर का जो करंट लगता है सर्किट में वही उसका क्या हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। इसी चीज को लिखा गया व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज यूज टू मूव 1 एम्पियर ऑफ करंट इन अ सर्किट, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को मूव करने में जो 1 एम्पियर का करंट लगता है वही उसका क्या हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। अब कह रहे हैं व्हाट हैपेंस द टू द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज मेड थिनर, अगर रेसिस्टेंस थिनर होगा तो क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के एरिया, जानते हैं, तो अगर जब एरिया ओ हो जाएगा मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो मेट जो थिनर होगा तो रेसिस्टेंस क्या करेगा इंक्रीज करेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसी चीज को आप लिखेंगे आंसर में, व्हेन द कंडक्टर इज मेड, द कंडक्टर इज मेड थिनर, थिनर देन इट्स रेसिस्टेंस देन इट्स रेसिस्टेंस इंक्रीज बिकॉज हम लोग पढ़े हैं कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेसिस्टेंस बढ़ेगा मतलब लेंथ बढ़ेगा, लेंथ मतलब बढ़ेगा रेसिस्टेंस बढ़ेगा, एंड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया, मतलब कि रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे तो एरिया घटेगा, एरिया घटेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन कह रहा है कीपिंग पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट द रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट इज डबल, रेसिस्टेंस सर्किट का डबल कह रहा है तो करंट पे क्या असर आएगा। तो कुछ है, सबसे पहले लेट V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, R इज रेसिस्टेंस एंड I इज करंट, देन फ्रॉम ओम्स लॉ V इज कल टू आई आर। अब कह रहा है कि रेसिस्टेंस को डबल कह रहा है, इफ रेसिस्टेंस इज डबल दैट इज न्यू रेसिस्टेंस इज इक्वल टू आर, आर डैश इज इक्वल टू आर बाय टू, देन फ्रॉम ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, और नया पोटेंशियल डिफरेंस वी इज इक्वल टू आई आर। अब नया क्या कह रहा है कि तो करंट पे क्या असर आएगा, अगर नया करंट को हम आई डैश मान रहे हैं एंड न्यू करंट आई डैश हो जाए, ठीक है, तो ये आई डैश हो जाएगा, आर डैश हो जाएगा, तो या भी इक्वल टू आई डैश को आई डैश ही लेंगे, आर डैश को आर बाई टू लिखेंगे, आर डैश को हम लोग क्या लिखेंगे आर बाई टू, तो क्या हो जाएगा टू भी बट्टा आर इक्वल टू आई डैश, क्या हो जाएगा टू भी, ठीक है, टू भी बटा आर हो जाएगा, टू भी बटा आर। अब हम ओम्स लॉ लिखे भी इज इक्वल टू आई आर, तो वहां से कुछ ना कुछ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कह रहा है कि रेसिस्टेंस डबल हो जाएगा तो एक आर जो डैश होगा टू आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा टू आर, डबल का अर्थ होता है टू गुना आर, टू आर, ठीक है। तो आप यहां क्या पुट करोगे, इस इक्वेशन को मिटा देंगे, हम यहां पुट करेंगे आर का वैल्यू टू आर, तो वी बाय टू आर इज इक्वल टू आई डैश। अब इक्वेशन फर्स्ट हम वी बाय आर को आई लिख सकते हैं, तो वन बाय टू इंटू आई इज इक्वल टू आई डैश, यहां लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, तो यह क्या हो जाएगा आई बाय टू इज इक्वल टू आई डैश, यानी कि दैट इज बिकम्स हाफ, कितना हो जाएगा बिकम्स हाफ, मतलब उसका आधा हो जाएगा, करंट को दोगुना करेंगे तो रेसिस्टेंस को दोगुना करेंगे तो रेसिस्टेंस को आप टू टाइम्स कर दिए, तो टू टाइम्स कर दिए टू आर लिख दिए आर डैश की जगह, अब मल्टीपल इधर आएगा तो डिविजिबल हो जाएगा, वी बाई आर को आप फर्स्ट वी बाई आई को आप वी बाई आर को आप आई निकाल सकते हैं, तो वी बाई आर को आप आई निकालिए, न्यू करेंट आई डैश है तो कितना हो जाएगा आई बाई टू, यानी कि हाफ हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है 18 के में व्हाई डू इलेक्ट्रिशियन वेयर्स रबर हैंड, कह रहा है कि इलेक्ट्रिशियन जो हाथ में रबर ग्लव्स लगाकर अपना वर्किंग करते हैं, क्यों इलेक्ट्रिसिटी का, तो चूंकि इलेक्ट्रिक रबर जो होता है वो इंसुलेटर होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देता है और शॉक से बचाता है, यही काम करता है, इसी चीज को लेकर बिकॉज रबर इज इंसुलेटर, रबर इंसुलेटर है दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, वो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ नहीं करता चूंकि इलेक्ट्रिक इंसुलेटर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता, टू पास थ्रू इट दिस इज प्रिवेंट हैज बॉडी टू गेट इलेक्ट्रिक शॉक, तो उसका बॉडी जो होता है इलेक्ट्रिशियन का जो बॉडी होता है इलेक्ट्रिक शॉक से बचता है, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए वो रबड़ बैंड रबड़ ग्लव्स या रबड़ शूज का यूज करता है, क्योंकि वो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर से इलेक्ट्रिसिटी का पास नहीं होता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि क्वेश्चन है व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज नीडेड टू सेंड ए करंट, एक करंट 6 एम्पीयर के करंट को सेंड करने के लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस की आवश्यकता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैविंग रेसिस्टेंस ऑफ 40 ओम, अगर 40 ओम का रेसिस्टेंस हो तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले गिवेन लिखेंगे, गिवेन
चलिए 6 एम्पियर, एम्पियर किसका साइलेंट होता है, आई का। 40 ओम किसका होता है, रेसिस्टेंस का। कह रहा कि फाइंड पीडी, आपको पीडी फाइंड आउट करना है कि पीडी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट बी इज इक्वल टू आई आर। तो आई है 6 और आर है कितना, 40, और ये सेंटीमीटर वोल्ट हो जाएगा, छो चुका 24, 240 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा, 240। सिंपल, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। का क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 0.5 मीटर लॉन्ग, एक सर्किट है जो 0.5 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर लगा हुआ है, जो एक्स वाई है नाम दिया हुआ, उसमें आ मीटर अटैच है, वोल्ट मीटर अटैच है, 4 1.5 वोल्ट का सेल है, प्लॉग है, की है। अब कह रहे हैं कि इस सेट को आपको एक फिगर के माध्यम से ड्रॉ कर देना, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपका एक रेसिस्टेंस है जिसका नाम है एक्स और वाई, एक्स और वाई, ये आपका 0.5 मीटर लंबा है, 0.5 मीटर लंबा है, ठीक है। कह रहे कि आ मीटर भी कनेक्ट कर रहा है, आ मीटर भी कनेक्ट कर रहा है, लीजिए एक आ मीटर कनेक्ट कर दिया। फिर कह रहा है कि एक स्विच भी कनेक्ट करना, लीजिए भैया एक स्विच भी, प्लॉग भी लगा दीजिए। अब चार सेल 1.5 का है, तो लीजिए एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, ठीक है। और ये आकर आपको कनेक्ट कर लेगा, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि करंट यहां जाएगा, इस तरह से आएगा करंट, ठीक है, करंट है। अब कह रहा है कि इसको मेंटेन करने के लिए एक वोल्ट मीटर भी आपको लगाना है कि कितना करंट जा रहा है। लीजिए भैया हमने वोल्ट मीटर भी कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस, और इधर हो जाएगा माइनस। क्विक प्रॉब्लम, एकदम सिंपल। ड्रॉ ए डायग्राम इलेक्ट्रिक सर्किट स्टडी टू रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस, एक पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए दो पॉइंट एक्स वाई के बीच में, और इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करने के लिए आर मीटर की जरूरत है, ठीक है, वेरी सिंपल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग द ग्राफ वाज प्लॉटेड बिटवीन बी एंड आई, बी एंड आई का ग्राफ दिया हुआ है। कह रहा कि एक डाटा के माध्यम से हमको इसको बताना है कि क्या रेशियो होगा, ठीक है। और फ्रॉम डाटा हम लोग देखते हैं, इसको आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो बहुत इजीली बनेगा और सॉलिड बनेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पहले एट पीडी 0.8 वोल्ट, अगर 0.8 वोल्ट पीडी होगा तो क्या होगा। नाउ भी बाई आई, बी है आपका 0.8 और आई कितना है, तो 0.3, पॉइंट से पॉइंट क्या 8/3, ठीक है। अब पोटेंशियल लिखते हैं एट पीडी 1.2 वोल्ट, अगेन तो भी बाई आई, तो भी है 1.2 और आई कितना है 0.4, तो गया, तो कितना कटा आपको, सॉरी 45 दिया हुआ, 45 पे कट रहा है, ठीक है, तो 45 है, तो ठीक है, तो पॉइंट से तो पॉइंट जाएगा नहीं, आप इसको कटा नहीं सकते हैं, 1.2/0.45, ठीक है, 0.45 कटेगा, तो एक सॉल्व करेंगे तो 8/3 आएगा। अगेन एट पोटेंशियल डिफरेंस 1.6, एट पीडी 1.6 वोल्ट, तो भी बाई आई इसका कितना मिलेगा, तो 1.6 और आई देखिए आपका 0.6 है, 0.6, जब ये भी कटाएंगे तो 8/3 आया, ठीक है। तो जो रेशियो आया, नाउ भी बाई आई इज इक्वल टू 8/3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, सारे वैल्यूज कॉन्स्टेंट है, दैट इज जब सारे वैल्यू कॉन्स्टेंट आया तो फिर आपको क्या मिलेगा, दैट इज वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, तो ये ओम्स लॉ को
फुलफिल करेगा। अब इसी का थ्री नंबर क्वेश्चन है, इसी का थ्री नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेसिस्टेंस, व्हाट इज द, व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, ऑफ द वायर कितना आ रहा है रेसिस्टेंस, 8/3 ओम यानी कि 2.5 ओम, यहां आप कैलकुलेट किए हुए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन व्हाट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑन करंट, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, तो रेसिस्टेंस कहते हैं, तो इसको हम लोग लिख देना है रेसिस्टेंस, ठीक है। तो लिखेंगे रेसिस्टेंस, क्योंकि आर इज इक्वल टू वी बटा आई होता है। अब एक वैल्यू दिया कर रहा है, इसको ग्राफ पे दिखा है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को शो करता है, करंट को शो करता है, इस तरह से शो कर दिया। अब कह रहा है कि रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर, मतलब आपको आर निकालना है कि आर कितना होगा, तो फ्रॉम ग्राफ आर इज इक्वल टू क्या होगा, वी बाई आई, निकाल के देखिए, वी आपका 2.5 और ये 0.1, तो पॉइंट से पॉइंट गया, तो 25 ओम, तो रेसिस्टेंस आपको क्या मिलेगा, 25 ओम मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फिर इसी का दो क्वेश्चन और है, क्वेश्चन है, नेम द लॉ ऑफ विच इज इलस्ट्रेटेड बाय अबव वी आई ग्राफ, वी आई ग्राफ किस लॉ को बताता है, वी आई ग्राफ आपको कौन सा लॉ बताता है, हम लोग अभी कुछ दिन पढ़े थे कि वी आई लॉ जो ग्राफ देता है वो ओम्स लॉ देता है, ओम्स लॉ। राइट द फॉर्मूला, कह रहा है कि फॉर्मूला बता, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस करंट एंड रेसिस्टेंस, हम लोग क्या पढ़े, वी इज इक्वल टू आई आर। अब ये एक न्यूमेरिकल दे रहा है कि इलेक्ट्रिक कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन, एक इलेक्ट्रिक आयरन के टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस है आपको 240 वोल्ट और करंट जो उसमें पास हो रहा है 5 एम्पियर का, तो कह रहा है कि फाइंड रेसिस्टेंस नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ, क्या कहता है, वी इज इक्वल टू आई आर, तो B दिया हुआ है 240, I 5, R पता नहीं, जब आप सॉल्व करेंगे तो 240 बटा 5 इज इक्वल टू R और R का एक्सपोनेंट क्या होता है ओम, तो 5 चौका 20, 5 अठे 40 कट गया 48, यानी कि 48 तो रेसिस्टेंस वायर का कितना हो जाएगा 48 ओम, मतलब 48 ओम से वो रेसिस्ट करेगा, ठीक है। फिर आप देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, का क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन दिया हुआ है एमसीक्यू का, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेसिस्टर, मतलब 3 ओम के बगल में सॉल्यूशन हम लोग कर लेंगे, 3 ओम का कोई रेसिस्टर है, आर दिया है 3 ओम और भी दिया हुआ है 6 वोल्ट, तो कह रहा है कि आर निकालो, तो भी इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, भी है 6, आई पता नहीं और आर कितना है 3, तो क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6 यानी कि 2 एंपियर इज इक्वल टू आई, तो कह रहा है कितना करंट फ्लो करेगा अगर 6 वोल्ट के बैटरी को कनेक्ट किया जाए 3 ओम रेसिस्टर के साथ, तो क्या मिला 2 एम्पियर, तो क्या आंसर आएगा 2 एम्पियर। नेक्स्ट कह रहा है एक कार हेडलाइट बल्ब है जो वर्किंग कर रहा है 12 वोल्ट बैटरी के साथ, क्या कह रहा है 12 वोल्ट बैटरी के, बी मतलब 12 वोल्ट, फिर कह रहा है कि जो करंट ले रहा आई इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, तो कह रहा है रेसिस्टेंस कितना होगा, फिर वही चीज V इज इक्वल टू आई आर, वी कितना आपके पास 12 वोल्ट, आई 0.5 इंटू आर, जब आप सॉल्व करेंगे तो 12/0.5 इज इक्वल टू आर है, तो पॉइंट हटा तो 10 5 2 जा, तो 12 दुना 24 ओम इज इक्वल टू आर, कितना मिला 24 ओम, है 24 ओम, ऑप्शन डी।
23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो 25 ओम रेसिस्टर के साथ कनेक्ट किया गया है, ठीक है, 25 ओम रेसिस्टर के साथ, ठीक है। तो अब 25 ओम रेसिस्टर के साथ कनेक्ट किया गया है, तो आई आपको दिया हुआ है 25, आई दिया हुआ है 25 दिया हुआ है आपको क्या आर, तो आपको दिया हुआ है क्या आर दिया हुआ है, मतलब कि आर 25 है, ठीक है। और फिर वोल्ट दिया हुआ है, मतलब वी इज इक्वल टू 230 वोल्ट। तो चूंकि वी इज इक्वल टू क्या होता है आई है, तो वी दिया हुआ है 230 और आई पता नहीं, आर है 25। जब आप कैलकुलेट करोगे तो 230/25 इज इक्वल टू आई, ठीक है। और आप भाग जब दोगे इसको पूरी तरह से, जब भाग दोगे तो 9.2 एम्पियर आएगा, ठीक है, 9.2 एम्पियर इज इक्वल टू आई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, व्हेन 4 ओम रेसिस्टर इज कनेक्टेड, 4 ओम का रेसिस्टर को कनेक्ट कर रहा है, तो आर इज इक्वल टू 4 ओम किससे, 12 वोल्ट बैटरी के साथ, बी इज इक्वल टू 12 वोल्ट। तो कह रहा है आपको निकालना क्या है, फाइंड नंबर ऑफ कूलम पासिंग थ्रू रेसिस्टर पर सेकंड, मतलब कूलम पर सेकंड। तो कूलम पर सेकंड क्या होता है, कूलम पर सेकंड इज इक्वल टू एम्पियर होता है, मतलब कि आई फाइंड करना है, तो वी इज इक्वल टू आई आर, तो वी है 12, आई पता नहीं, आर 4 है, तो 4 3 है, यानी कि 3 एम्पियर इज इक्वल टू आई। तो करंट आपको कितना मिला है, 3 एम्पियर पे दिख रहा है, बी ऑप्शन है 3 एम्पियर। 25 क्वेश्चन करेंगे, ओम्स लॉ हमको देता है क्या, रिलेशनशिप देता है, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी, देन वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट। तो ऑप्शन में देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और करंट कहां मिला है, ऑप्शन 4 में। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टर, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस कैसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है, तो ओम, डी ऑप्शन। 27 कह रहा है कि दो सब्सटेंस हैविंग इंफिनिटली हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस किसका होता है, तो इंसुलेटर का होता है, ठीक है। फिर अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कीपिंग पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखना, तो V इज इक्वल टू आई आर हम लोग पढ़े हैं, तो यहां से I इज इक्वल टू V बटा R। अब कह रहा है कि रेसिस्टेंस को डबल कह रहा है, तो अगले करंट के लिए नेक्स्ट न्यू करंट को हम I डैश मान ले रहे हैं, ठीक है, तो रेसिस्टेंस को डबल कर रहा है यानी कि V, ठीक है, तो फिर V इज इक्वल टू आई आर, तो V I डैश और R कितना हो जाएगा 2R, तो V by 2R is equal to I dash, और V by R को आप क्या लिख सकते हो, 1 by 2 into V by R is equal to I dash, और V by R को आप I लिख रहे हैं, तो 1 by 2 into I is equal to I dash, तो new current कितना मिला है, half हो जा रहा है, यानी कि B option हो जा रहा है। Same question है, keeping potential difference constant, फिर V is equal to I R, तो I is equal to V बटा R। अब कह रहा है कि रेसिस्टेंस को हाफ किया जा रहा है, तो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस को भी रख रहे हैं क्योंकि कांस्टेंट है, और आई को आई डैश मान रहे हैं और आर को आर बाय टू कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 वी बटा आर इज इक्वल टू आई डैश, तो 2 वी बाय आर को वी बाय आर को आई लिख रहे हैं इज इक्वल टू आई डैश, तो कितना टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, मतलब कि डबल हो जा रहा है, 2 टाइम्स का डबल, ठीक है। अब 30 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है फर्स्ट कंडीशन कि एक इलेक्ट्रिक रूम हीटर है जो 2.4 एम्पीयर का करंट दिया जा रहा है, तो 120 वोल्ट सप्लाई ले रहा है, और फिर उसी इलेक्ट्रिक हीटर को अगर 240 वोल्ट का सप्लाई दिया जाए तो कितना करंट होगा, इस चीज को हमको फाइंड आउट करके लिखना है, ठीक है।
हम लोग गिवन लिखेंगे सबसे पहले फॉर फर्स्ट कंडीशन, फॉर फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। आई दिया हुआ है 2.4 एम्पियर और भी दिया हुआ है 200, कितना 120 वोल्ट, ठीक है, 120 वोल्ट का सप्लाई है। तो नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ क्या कह रहा, वी इज इक्वल टू आई आर, तो 120 आई 2.4 आर पता नहीं, तो 120 बटा 2.4 इज इक्वल टू आर, ठीक है। अभी पॉइंट हटेगा तो बटा 10 हो जाएगा, 24 25 तो 10 25 50 ओम इज इक्वल टू आर। अगेन अब आपको आर मिल गया 50 ओम, ठीक है। आर दिया हुआ है, भी दिया हुआ 240 वोल्ट, फाइंड आई, अगेन भी इज इक्वल टू आई आर, तो भी है 240, आई पता नहीं, आर 50, तो 240 बट्टा 50 इज इक्वल टू आई, 0.0 बटा 24 बट्टा 5 ओम इज इक्वल टू आई। जब आप डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 5 8 जा ओम इज इक्वल टू, सॉरी ये एम्पियर ना होता है, तो एम्पियर और यहाँ भी हो जाएगा एम्पियर, तो 4.8 एम्पियर आई। तो कितना करंट सप्लाई करेगा वो, तो आपको करंट करेगा 4.8 एम्पियर, ठीक है। अब इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूमेरिकल मटेरियल हुज सिंबल इज ओमेगा, किसका ऐसा किसका सिंबल ओमेगा है, ये चीज को। तो ओमेगा किससे डिनोट किया था, ये ना ओमेगा बोलते हैं, तो क्या होता है, किसका ऐसा यूनिट होता है, तो रेसिस्टेंस का, क्योंकि ओम बोलते हैं तो रेसिस्टेंस, ठीक है। ठीक है, ग्राफ बिटवीन बी और आई का जब ग्राफ मिलता है और ओरिजिन से पास होता है, ये आपका बी और आई ओरिजिन से पास होता है, ठीक है, तो विच लॉ इज इलस्ट्रेटेड बाई द सच ग्राफ, वो किस तरह का लॉ को फुलफिल करता है, तो क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ को फुलफिल करता है, ओम्स लॉ, क्योंकि ओम्स लॉ में क्या होता है, स्ट्रेट पाथ होता है। दूसरा नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट शुड रिमेन कांस्टेंट इन ए स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ, इस लॉ में क्या कांस्टेंट हो सकता है, तो कहते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब कि टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब 31 में कह रहा है कि ओमेगा किस चीज का सिंबल है उसका बताना है, रेसिस्टेंस को बोलते हैं, कैसा यूनिट ओमेगा होता है। फिर कह रहा है बी और आई का जो ग्राफ मिलता है उसमें स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होता है, तो वो कौन सा लॉ को फुलफिल करता है, तो ओम्स लॉ, और कह रहा है कि ओम्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है कि पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट नीडेड टू मेक करंट 0.02 एम्पीयर, मतलब कि अगर भी 10 वोल्ट हो तो करंट हमको 0.02 एम्पीयर दे रहा है, तो कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना नीडेड होगा यदि 250 मिली एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा हो। नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ क्या कहता है, वी इज इक्वल टू आई आर, तो वी है 10, I 0.02, R पता नहीं, तो 10 बटा 0.02 इज इक्वल टू R, पॉइंट हटेगा तो क्या हो जाएगा, तो 25 यानी कि 500 ओम का रेसिस्टेंस यहां से हमको गिवेन होगा, ठीक है। तो अगेन अगेन R है 500 एम्पियर और I है 250 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर को किसमें चेंज करेंगे, एम्पियर में चेंज करेंगे, तो 250 इंटू 10 का पावर माइनस 3 एम्पियर, तो बी इज इक्वल टू आई आर, तो 500 और ये 250 इंटू 10 का पावर माइनस 3, जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमको क्या मिलेगा, 500 इंटू 250 बटा 1000, 1 2 3 3 0,
पच्चीस पच्चीस 150 25 वोल्ट, बी कितना होगा 125 वोल्ट, मतलब कितना वोल्ट हमको सप्लाई देना होगा 125 वोल्ट का सप्लाई देना होगा, ठीक है। दो कंडीशन था, फिर देखते हैं अब लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, एक करेंट ऑफ 200 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर का आपको करेंट मिल रहा है, तो इसको चेंज करेंगे तो 200 इंटू 10 का पावर माइनस 3 एम्पियर, और जो आपको रेसिस्टेंस मिल रहा है वो 4 किलो एम्पी ओम मिल रहा है, यानी कि 4 इंटू 1000 ओम। तो कह रहा फाइंड पीडी, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं बी इज इक्वल टू आई आर, बी कितना, बी तो निकाला ये आई आर का 200 इंटू 10 का पावर माइनस 3 और आर है 4 इंटू 1000, तो 200 अब इसको नीचे करेंगे बटा 1000 गुणे 4000, 0 से 0 गया तो कितना होगा 4 गुना 8 पे 2 0, तो कितना हो जाएगा 800 वोल्ट, ठीक है, एकदम सिंपल था 800 वोल्ट। इस तरह से अब हम लोग नेक्स्ट इस चैप्टर के मतलब इस पेज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, 34 क्वेश्चन थे, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज का वीडियो, तो फिर वेट एंड वॉच नेक्स्ट क्लास वीडियो।